दुख होता था हमें कि हमारा कोई आगे बोलने वाला नहीं है, तो सोचते थे हम कि कोई हो। पहले कांशीराम जी थे, तो फिर वो भी चले गए, उनके बाद तो हमारा हौसला ही वो चला गया था। इतनी हमें खुशी मिल रही है कि हमें ये चंद्रशेखर आज़ाद जैसे मिले हैं। हम चाहते हैं कि ये लाखों चंद्रशेखर पैदा करें, लाखों लाखों चंद्रशेखर इस धरती पे आए और गरीबों का भला करें। चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद आपके घर में रुके हुए हैं। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। जिसको हम टीवी पे देखते थे वो आज हमारे घर में हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को आपके घर में रुके, कुछ बात हुई उनके साथ? हाँ, बातें हुई बच्चों के साथ, बहुत अच्छी बातें की। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस वक्त काला गाँव जो है वो वहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर नाश्ते की तैयारियाँ की गई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रजत रमित के घर में रुके हुए हैं। यहाँ पर उनके सारे समर्थक और साथी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर खाने का बंदोबस्त आप देख सकते हैं किया जा रहा है और इसके साथ साथ में आप यहाँ पर, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँगी, ये सब लोग जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार मुंडू है। आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। कल मुलाकात हुई भाई से? हुई थोड़ी सर, काफ़ी अंगेज थे सर, इतना मिलना नहीं हुआ। हाँ। तो आज शायद मुलाकात हो जाए सर। वैसे भी आज भी थोड़ा मुश्किल लगा, काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से, तो हम काफ़ी टाइम सुबह से वेट कर रहे हैं अभी, क्या नंबर लगे ना लगे, सुबह से बैठे हैं। वैसे देख लिया, वो तो बड़ा है हमारे लिए, बहुत बड़ा है। बाइक को मिलने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। इंतजार देखिए। नाम बताइए। मैं जितेंद्र कुमार रजौरी। बात हुई चंद्रशेखर भाई से? बात हुई, बात तो हुई, देखा, लेकिन मान नहीं पड़ता, बहुत देर से इंतजार था। इस शेर टाइगर मतलब राजनीति के बहुत देर से बड़े भाई यहाँ पर जोरी पे पहुँचे, बहुत उम्मीदें थी इनसे देखने के लिए लोग उसके, या हम सुबह से लाइन में लगे कि एक बार भाई से बैठ के बात करें और रजौरी की जो पॉलिटिशियन है उसके बारे में हम भाई जी से कुछ बताना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। रजौरी के बारे में कुछ बातें चंद्रशेखर आज़ाद को ये लोग बताना चाहते हैं, इसलिए ये चंद्रशेखर आज़ाद को सुबह से मिलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कब इन लोगों से मिले। तो ये जो हमारे साथ लोग बैठे हुए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हितेश माही जी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो चंद्रशेखर भाई की जान हैं, इन्हें वो अपनी जान मानते हैं। हितेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर में। जय भीम जी। जय भीम भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमें इतना जम्मू कश्मीर में जो प्यार दे रहे हों, उसके लिए हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करते हैं। कल से रुके हुए हैं यहाँ पर, तो अभी लगा कैसा, लोगों से मुलाकात हुई है? आप एक दो दफ़ा आए हैं पहले, लेकिन इस बार का जो प्यार था वो कैसा रहा लोगों का? तो मैं तो, हम तो परसों के आए हुए हैं, पहले आ गए थे भैया कल आए, और जो प्यार लोगों ने दिया है, और जब हम रास्ते से गुजर रहे थे संसार पाजी, और कोई ऐसा गाँव नहीं था जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए सड़कों पर नहीं था, और माएँ बहनों ने जिस प्रकार से भाई का स्वागत किया, हम पूरे जिन जिन्होंने भी भाई का स्वागत किया हम उनका धन्यवाद करते हैं। कितना प्यार, ऐसे लग रहा, हमें लग नहीं रहा था कि हम यूपी से बाहर जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, और जम्मू कश्मीर ऐसा लग रहा था कि यूपी है, यूपी ही जैसा प्यार था। बहुत प्यार दिया, और भाई को मिलने के लिए, सुनने के लिए हजारों की भीड़ में लोग आए। जो मूवमेंट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यूपी से शुरू की है, वो जो मूवमेंट है अब जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रही है, जिसका जो हमने कल देखा है, बहुत ही जल्द अच्छे नतीजे आएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर हैं, और लोगों का समर्थन और प्यार इस तरीके से मिला है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्हें लोगों का प्यार देखने के बाद ये लग रहा है। हाँ, उनका नाम क्या है? ब्रिजपाल जी। तो ब्रिजपाल जी यहाँ पर हैं, वो साइड पर बैठे हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पिछली मर्तबा बात नहीं हो पाई थी, आप वापस निकल गए, तो हम शाम को मिलना चाहते थे, चलिए आज बात हो गई। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का लोगों का रुझान और प्यार दिखा है चंद्रशेखर भाई को और आप लोगों को, कैसा लग रहा है? मैं भाई चंद्रशेखर के साथ ही था गाड़ी में, हमारी एक ही गाड़ी में थे हम जी, तो बहुत से रास्ते में भी अननोन मिले लोग, तो वो कह रहे थे अरे देखे चंद्रशेखर जा रहा है, चंद्रशेखर जा रहा है। तो ये लोगों की दीवानगी है एक, जो उन्होंने साबित किया है संसद में पहुंचकर, और संसद के बाहर भी,
और बहुत लंबे समय से सड़कों पर जो संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, तो आज उसी का नतीजा है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जन जन का चेहरा बन चुका है। यूपी की सियासत में और जम्मू कश्मीर में जब आप आए हैं, कितना अंतर देखा है आपने? यूपी की सियासत कुछ हद तक अलग सियासत है और यहाँ की कुछ अलग है, लेकिन समस्याएं सबकी एक है। समस्याएं एक जैसी होने के साथ साथ इसी वजह से उन लोगों में भी चंद्रशेखर के साथ और पार्टी के साथ बहुत ही अच्छे उत्साहवर्धक नतीजे मिलेंगे। यहाँ बहुजनों ने क्या कहा है, बहुजन क्या कह रहे हैं जो मिल रहे हैं? जो बहुजन के तो सार्थक है, सारी जितनी भी बातें हैं वो सब कह रहे हैं कि बहुजन राज अगर आ सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही ला सकता है, कि जो मिशन मोमेंट माननीय कांशीराम साहब ने शुरू किया था और उसी मिशन मोमेंट को फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तक पहुँचाया, और उसके बाद जो माननीय कांशीराम साहब का नारा था कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो ये देश पे राज करने वाली बात है, बहुजन को राज करने वाली बात। तो बहुजन को राज करवाना है और बहुजन राज करेंगे, ऐसी विचारधारा के साथ जम्मू कश्मीर में जो है वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ से अंदर लिए चलता हूँ, अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये घर जो है ये एडवोकेट रजत रमित का है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उनके घर में हम आपको लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बाहर आए और चंद्रशेखर आज़ाद से उन लोगों की जो है वो मुलाकात हो। तो तस्वीरें आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा बस। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस घर में रुके हुए हैं, ये घर जो है वो एडवोकेट रजत रमित का है। रजत रमित, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के, और उनके घर में हम हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विद्या देवी। रजत आपके बेटा हैं? हाँ, सनिल्ला। सनिल्ला जी, तो ये जो जिस मोमेंट को लेके रजत ने शुरू किया है, आपको था कि कभी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है जिसे दुनिया टीवी पर देखती हैं, जिसे दुनिया सुनती हैं, उसके एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर आएंगे? कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा कुछ। बहुत दुख होता था हमें कि हमारा कोई आगे बोलने वाला नहीं है, तो सोचते थे हम कि कोई हो। पहले कांशीराम जी थे, तो फिर वो भी चले गए, उनके बाद तो हमारा हौसला ही वो चला गया था। हमें कोई भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती, दुख होता था लोगों की हम बातें सुनते थे तो बहुत दुख होता था, मगर आगे हमारा कोई बोलने वाला ही नहीं था। आज इतनी हमें खुशी मिल रही है कि हमें ये चंद्रशेखर आज़ाद जैसे मिले हैं। हम चाहते हैं कि ये लाखों चंद्रशेखर पैदा करें, लाखों लाखों चंद्रशेखर इस धरती पे आए और गरीबों का भला करें। बहुत आजकल ये जो लड़ाई झगड़ा, बस जो सियासत है, बांट बूंट चल रही, लड़ाई झगड़े चल रहे, कोई भी ये इंसानियत की इस पे राह पे कोई नहीं चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हर घर में हो, हर घर में पैदा हो, लाखों चंद्रशेखर, करोड़ों करोड़ों चंद्रशेखर पैदा हो, जो कि हमदर्दी और भाईचारा का आपस में मेल जोल हो, इंसान 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 को समझे, इंसान इंसान को समझे। रजत आपका बेटा है, वो भी एक जम्मू कश्मीर का चंद्रशेखर आज़ाद बन चुका है, वो भी जो काम कर रहा है, गरीबों के लिए उठ कर के चल पड़ते हैं बिना रुके बिना सोचे। तो कभी डर लगता है कि रजत किस राह पर निकल गए चंद्रशेखर आज़ाद की फॉलो करते हुए? आप लोगों को डर लगता है? आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है, तो डरने की कोई बात नहीं है। डर तो लगता है, माँ बाप हैं तो हम भी सोचते हैं पता नहीं बाहर निकलेगा क्या होगा कैसे होगा, डरते तो हैं, मगर जिस लोग जो आशीर्वाद सबका होना चाहिए और ठीक होना चाहिए और अच्छा है, चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद आपके घर में रुके हुए हैं? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। जिसको हम टीवी पे देखते थे वो आज हमारे घर में हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को आपके घर में रुके, कुछ बात हुई उनके साथ? हाँ, बातें हुई बच्चों के साथ, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, बच्चों को समझाया पढ़ो लिखो अच्छे बनो पढ़ाई करो, बात तो हुई। ये देखिए आज़ाद के घर में जो है इस वक्त
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।